नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूँ शोभा। आप आए शोभा रसोई में। शोभा रसोई में आपका खूब खूब स्वागत है फ्रेंड। हम आज मैं कुछ हेल्दी सा देसी पिज्ज़ा बनाने वाली हूँ, जो खाने में टेस्टी भी होगी और देखने में भी बहुत बढ़िया होगा। तो सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिश अगर अच्छा लगे तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा। हम लेंगे सबसे पहले 3 बड़े आलू, इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। हमने कद्दूकस करके कर लिया। अब इसको हम थोड़ा सा इसका स्टार्च निकाल देंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। एक कढ़ाई ले लिए, इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे बटर। फिर इसमें प्याज हम एक बारीक कटी हुई रखे थे उसको डाल देंगे। दो कली लहसुन की हम ग्रेट करके इसमें डाल देंगे। ये हमारे प्याज सीख गए। अब इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े टमाटर पीस लिए थे हम उसको डाल देंगे। मैं 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसे हम अच्छा से सेक लेंगे पानी के सूखते तक। जब तक ये हमारे सिकेंगे तब तक हम पिज्जा बेस बना लेते हैं। आलू लिए हैं, आलू में 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। थोड़ी सी डाल देंगे नमक। 1 चुटकी जितना हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे। कर लिए, अब इसका बेस बनाएंगे हम। गरम हो गया हमारा फ्राई पैन, गैस को हम लो फ्लेम में कर देंगे और इसको हम ऐसे फैला लेंगे। इसे ऐसे सेट कर देंगे अच्छे से। ऐसे देखिए, बहुत बढ़िया से हमने सेट कर दिया। इसको हम सिकने देंगे थोड़ा सा अच्छे से। 5 मिनट के लिए हम इसमें ढक्कन लगा देंगे, सिकने देंगे हम इसे। हम डालेंगे थोड़ी सी नमक। थोड़ा सा टमाटो केचप 2 चम्मच, जरा सा सेजवान चटनी डालेंगे हम अच्छे से। हमने 1 चम्मच स्वीट कॉर्न लिए थे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, वो डाल देंगे। ये हो गया पिज्जा का ग्रेवी रेडी। अब इसे हम ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा पक जाए तो हम इसको ऑफ कर देंगे। ये हमारे पक गए, अब इसको हम एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे। ये हमारा नीचे से एक सीख गया, हम इसे थोड़ा सा पलट देंगे। इस तरफ से हम ज़्यादा नहीं सेकेंगे कि इसमें हम टॉपिंग्स डालेंगे। तो इसको फिर से दोबारा हम पलट देंगे। थोड़ा सा डाल 1 चम्मच हम बटर लगा देंगे इसमें। लगा देंगे हमने जो सॉस बनाए ग्रेवी, इसमें लगा देंगे। अब इसमें हम चीज़ ग्रेट करके डाल देंगे। फ्रेंड, मेरे पास मोजरेला चीज़ नहीं है, आपके पास मोजरेला चीज़ हो तो उसे डाल दीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगी। मेरे पास ये नॉर्मल क्यूब्स चीज़ है, मैं उसी से बना रही हूँ। ये हम जो हमने स्लाइसेस में काट के रखे थे उसके ऊपर टॉपिंग्स हम डाल देंगे।
देखिए हमने टॉपिंग डाल दिया, अब इसे हम सीखने के लिए रखेंगे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में। और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें ऑयल, हम डालेंगे इसमें पिज्जा हर्ब्स, थोड़ी सी डालेंगे चिली फ्लेक्स, आप घर में भी बना सकते हैं, आपके पास नहीं है तो इजीली बन जाता है। देखिए ये हमारा पिज्जा बनके, 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे जिससे हमारा नीचे से पिज्जा अच्छा से सिक जाए, क्योंकि हमने मैदा का नहीं बनाया ना, ना आटा का, ना मैदा का, ना सूजी का, आलू का बनाया, तो थोड़ा सा सिकने के लिए तो हमें चाहिए कुछ। तो अब इसे हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए। फ्रेंड ये हमारे पिज्जा बन के रेडी हो गया, देखिए चीज सब मेल्ट हो गए हैं, इसका मतलब हमारे पिज्जा रेडी हो गया। और एक चीज दिखाती हूँ मैं, और देखिए इसके आवाज नीचे से हमारी कितनी कुरकुरी बनी है, आवाज से पता चल रहा है। इसे हम डिमोल्ट कर लेंगे, हमारे पिज्जा बनके रेडी हो गया। फ्रेंड ये देखिए कितने सुंदर हमारे पिज्जा बनके रेडी हो गए, हमारे ना मैदा, ना आटा, ना सूजी, हमने एक हेल्दी पिज्जा बनाए जो खाने से हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला, ना बच्चों को। देखिए कितने सुंदर बन गए, खा बहुत ही टेस्टी बने हैं, आप बनाइएगा, खाइएगा, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी ये रेसिपी अगर अच्छा लगे तो सब चीज़ कर दीजिएगा।